हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर ऑल सेफ एंड गुड। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 3, फार्मूलाज इन एमएस एक्सेल। तो इसमें हम पढ़ेंगे फार्मूलाज, न्यूमेरिक फार्मूलाज, ऑटोसम फीचर, एवरेज फंक्शन, मिनिमम फंक्शन, नेमिंग शीट, है ना, फार्मूला, टाइप्स ऑफ फार्मूलाज और क्रिएटिंग टेक्स्ट फार्मूलाज, फंक्शन, मैक्स फंक्शन, काउंट नंबर फंक्शन एक्सेट्रा, है ना। तो अभी स्टार्ट करते हैं एक्सेल में। एक्सेल तो आप जानते ही होंगे, एक्सेल क्या होता है? एक्सेल स्प्रेडशीट होती है, इसको स्प्रेडशीट कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फार्मूला आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज फीचर्स ऑफ एमएस एक्सेल। अ फार्मूला इज एन एक्सप्रेशन दैट इंक्लूड सेल्स नंबर्स, एड्रेसेस, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड पैरेंथेसिस। तो आपका सेल नंबर आपको दिया जाता है, आपके शीट पे होता है, एड्रेस होता है उसका, जैसे आपका A1 A2 जो भी होगा, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स प्लस माइनस वगैरह वगैरह, है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और पैरेंथेसिस इसको कहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ये आपका पैरेंथेसिस हो गया, ठीक है, ये आपका पैरेंथेसिस। तो अभी देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसके पार्ट होते हैं। यूजिंग फार्मूला वी कैन कैरी आउट सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन, मोर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन। हम इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं और मोर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो एक्सेल फार्मूला में हम इक्वल टू साइन लगाते हैं, उसके बाद अपना फार्मूला डालते हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो जैसे अगर मुझे 2 + 2 = 4 करना है, इक्वल टू 2 + 2 करना है, ठीक है। अब हम करेंगे कॉल डिफरेंस। कॉल डिफरेंस क्या होता है? ये एलिमेंट्स हैं आपके इसमें फार्मूला के, क्या हैं देखते हैं। कॉल डिफरेंस द एड्रेस ऑफ अ सेल और सेल रेंज, फॉर एग्जाम्पल A3 G5 और A1 to A9, है ना, ये आपके सेल हो गए A3 G5, और ये A1 से A9 ये आपका रेंज हो गया, तो इसको कॉल रेफरेंस कहते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं? दीज आर प्री डिफाइंड फार्मूलाज इन एक्सेल। फंक्शंस आपके प्री डिफाइंड फार्मूलाज होते हैं, फॉर एग्जांपल सम, मैक्स, मिन, एक्सेट्रा, इस तरह बहुत सारे मिलेंगे आपको। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट वो वैल्यू होती है जो नेवर चेंज, मतलब वो वैल्यू जो आपकी कभी चेंज नहीं हो सकती, जो एक बार आपने लिखी वही होगी। दीज आर नंबर्स, जैसे 13 लिख दिया तो 13 ही माना जाएगा, है ना, वो अपने आप से चेंज नहीं होगा जब तक कि आप खुद से ना करो। और ठीक, तो दीज आर द नंबर 13.4 टैक्स वैल्यू मनीष एंटर डायरेक्टली इनटू अ फार्मूला। आपने फार्मूला में डायरेक्ट इसको डाल दिया तो ये आपका चेंज नहीं होगा, है ना। ऑपरेटर्स, दीज आर यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन द गिवन वैल्यू। ऑपरेटर्स तो आप जानते हो, ये सारे ऑपरेटर्स देखो, ये चार्ट आप देखना, आपके बुक में दिया हुआ है इस चार्ट को, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिविजन, परसेंटेज, एक्सपोनेंटेशन, है ना, इक्वल टू, लेस देन, और यहाँ पर आप देखोगे लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, तो ये सब आप देख लेना। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ फार्मूलाज इन एमएस एक्सेल। टाइप्स ऑफ फार्मूलाज क्या होते हैं एमएस एक्सेल में? न्यूमेरिकल फार्मूलाज और टेक्स्ट फार्मूला, दो तरह के होते हैं, न्यूमेरिकल फार्मूलाज और टेक्स्ट फार्मूलाज। न्यूमेरिकल फार्मूलाज क्या होता है? द फार्मूलाज डेट अलाउज यू टू मैनिपुलेट न्यूमेरिकल वैल्यूज आर कॉल्ड न्यूमेरिकल। जो न्यूमेरिकल वैल्यूज पर फार्मूला लगाए जाते हैं उनको न्यूमेरिकल फार्मूलाज कहा जाता है, ठीक है। और द फार्मूलाज डेट हेल्प अस टू लिंक टू और मोर टेक्स्ट स्ट्रिंग, यानी कि दो अलग अलग टेक्स्ट को, जैसे आपने लिखा है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, तो उनको अगर मुझे एक साथ जोड़ना है या कुछ उस पर ऑपरेशन करना है तो उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, तो उसको हम कहेंगे टेक्स्ट फार्मूला। क्रिएटिंग न्यूमेरिक फार्मूला, अब न्यूमेरिक फार्मूला कैसे बनाते हैं देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, एमएस एक्सेल ओपन करना है, आपको ये कुछ डेटा इसमें टाइप कर लेना है, जैसे आपकी किताब में दिया है देख लीजिएगा, ये मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये करने के बाद टाइप द डेटा इन एक्सेल वर्कशीट, सेकेंड आपका तरीका होगा। थर्ड आपको क्या करना है इसमें, सेलेक्ट द सेल इन विच यू वांट द रिजल्ट ऑफ सेल, ठीक। तो जैसे यहाँ देखिए टोटल दिया हुआ है ना, तो टोटल में देखिए इसको मैं और नज़दीक ले जाके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए पहले इक्वल टू का साइन लगाया गया है, फिर B2 + C2 + D2 + E2 + F2, यानी यहाँ पर देखिए ये 2 नंबर है, टू यहाँ पे वैल्यू है ना, 1 नहीं लेंगे क्योंकि 1 में आपने कॉलम्स का नाम रखा है ना, टेक्स्ट रखा हुआ है, नंबर्स आपने कहाँ कहाँ पे दिए, न्यूमेरिक वैल्यू, तो न्यूमेरिक वैल्यू ये सब है, तो B2 ये 2 नंबर है, तो ये V कॉलम है, तो B2, फिर C2, D2,
ई टू एफ टू, यहाँ आपने इक्वल टू ऐसा ऐसा करके पहले आपको इक्वल टू लिखना है, फिर बी टू प्लस सी टू प्लस डी टू प्लस ई टू प्लस एफ टू ऐसा आपने कर दिया, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे, इंटर प्रेस कर दोगे तो वो आपको इसका टोटल दिखा देगा। बाकी आपको क्या करना है, आप चाहते हो ये पूरे कॉलम में फॉर्मूला लग जाए तो यहाँ यहाँ पर राइट साइड में बॉटम पे देखिएगा, यहाँ पर जो अपना कर्सर लेके जाओगे तो प्लस का ब्लैक कलर का प्लस का साइन बन जाएगा यहाँ पर, उसको आप खींचोगे नीचे तक यहाँ पर ड्रैग करोगे तो आपका ये फॉर्मूला पूरे में लग जाएगा, इस पूरी रो में, ठीक है। बाकी एक एक करना करके करना चाहते हैं तो एक एक करके कर सकते हैं आप। कॉपिंग फार्मूलाज टू अदर सेल्स, देखिए वही तरीका मैंने आपको बताया, सेलेक्ट द सेल जी टू यूजिंग फार्मूलाज टू बी कॉपीड, इसको आप नीचे तक कैसे ट्रैक करोगे, जी सिक्स तक नीचे तक ट्रैक करोगे तो ये आपका देखिए बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सेल जैसा मैंने बताया, वो नीचे तक ट्रैक करोगे तो फार्मूला कॉपी होके सबके लिए काम करेगा, आप करके देखना खुद से। आप टेक्स्ट फार्मूला कैसे करते हैं, तो टेक्स्ट में क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, As you know, the text formula allows you to link two or more text strings. The procedure of linking the text strings or series is called concatenation. Concatenation मतलब होता है दो टेक्स्ट को जोड़ देना, जैसे कि फर्स्ट नेम और मिडिल नेम को जोड़ दिया है ना, या जैसे मान लीजिए आपने यहीं पर देखिए ये लिखा है ना एज यू दो अलग अलग वर्ड हैं, इनको मैंने एक साथ लिख दिया एज यू, तो ये क्या होगा, concatenation कहलाता है। Always enclose text strings within double quotes. हमेशा डबल कोट के अंदर यानी ऐसा होता है स्ट्रिंग जो भी होते हैं है ना, इसके अंदर स्ट्रिंग लिखा जाता है। अब देखिए टू क्रिएट अ टेक्स्ट फार्मूला परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स, सबसे पहले क्या करना है, क्लिक A8 सेल, इसमें कुछ डेटा पड़ा हुआ है और ये 8 नंबर देखिए यहाँ पर 8 नंबर सेल को सेलेक्ट किया, ठीक है। इसके बाद फार्मूला बार ये ऊपर आपका ही है ना, ये फार्मूला बार यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखा इक्वल टू A2 एंड का साइन, फिर डबल कोट के अंदर हैज ऑप्टेंड, फिर एंड, फिर G2, फिर एंड, फिर टोटल मार्क्स इन एग्जामिनेशन है ना, यहाँ पे देखिए ऐसा लिखा हुआ, तो ये आपका ऐसा लिख के आएगा, तो यहाँ पे क्या लिख के आएगा आपका, रोहन नाम क्या है, रोहन हैज ऑप्टेंड इतना मार्क्स इन एग्जामिनेशन, ठीक है। ये आप इसको प्रैक्टिकल करके देखना है, इसका अपनी बुक से देख के तो आपको समझ में आ जाएगा इसका अच्छे से, ठीक है। यूजिंग ऑटोसम फीचर, अब किसी चीज़ को ऑटोसम करना है तो आपको क्या करना है, जैसे आपको ये पूरा ऑटोसम करना है तो आपने ये पूरा कॉलम ऐसे सेलेक्ट कर लिया यहाँ से लेके यहाँ से सेल से लेके यहाँ तक, और उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ऑटोसम का ये देखिए यहाँ पर ऑटोसम का ऑप्शन मिलेगा, इसको क्लिक कर दोगे तो जहाँ पे आप अपना टेक्स्ट जहाँ तक ले जाओगे यहाँ पर आपको आपका आंसर दे देगा, अपने आप आपको कर देगा। आप चाहो तो इसको वर्टिकली भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा भी हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों तरीके से आप ऑटोसम कर सकते हो। अब फंक्शन क्या होता है, फंक्शंस आर रेडीमेड फार्मूलाज इन एक्सेल, फंक्शंस एक सेट ऑफ प्रोग्राम छोटा सा कोड होता है, सेट ऑफ कोड होता है जो आपको बार बार यूज कर सकते हैं उसका आप, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, रेडीमेड फार्मूला होता है इन एक्सेल विच अलाउ यू टू परफॉर्म सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन, सिंपल या कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर आपको करना है तो फंक्शन का यूज़ आप कर सकते हैं। दे एलिमिनेट द चांस टू राइट रॉन्ग फार्मूला, यहाँ पे क्या है कि फार्मूला आप टाइप करते समय गलत भी कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन अगर आपने सही से बना लिया एक बार तो बार बार उस फंक्शन से यूज़ करके आप उसको एक्यूरेसी उसमें बढ़ा सकते हैं, अपनी 100% एक्यूरेसी ला सकते हैं। तो फंक्शन बिगिंस विद एन इक्वल साइन, फंक्शन हैज़ टू मेन पार्ट, फंक्शन नेम एंड आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स होता है जो फंक्शन में पास किया जाता है, मैं आपको दिखाऊंगा आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है कैसे होता है। आर्ग्यूमेंट फंक्शन के अंदर पास होता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा सम, मैं लिख के दिखा रहा हूँ सम, उसके बाद ये है ना, तो यहाँ पे जो भी मैं लिखूंगा वो मेरा आर्ग्यूमेंट होगा, ये मेरा क्या हो जाएगा फंक्शन नेम, फंक्शन नेम है ना, और ये जो यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगा वो मेरा हो जाएगा आर्गुमेंट, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये दिए हुए हैं बहुत सारे फंक्शंस हैं, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका इनको लिखने का तरीका भी दिया हुआ है, फार्मूला बार में आपको इस तरह से लिखना है ना, इनको आप लिख सकते हैं, इसको पढ़िएगा आप अच्छे से,
एवरेज फंक्शन कैसे यूज़ किया जाता है, AVG उसका शॉर्ट फॉर्म है। ये एवरेज यहाँ पर ऐसे एवरेज दिया हुआ है, ठीक है, मिनमैक्स एंड राउंड काउंट ये सब दिया हुआ है। इसको आप अप्लाई करके देखिएगा तो कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको जैसे ये देखिए सम का फंक्शन होता है, ये है ना, ये एवरेज का यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये बहुत सारे यहाँ पे फंक्शन मिलेंगे। बाकी आप अपने फार्मूला बार में ये यहाँ पर जैसे आपको एवरेज निकालना है तो इक्वल टू एवरेज B2:G2, तो B2 से लेके G2 तक का एवरेज मिल जाएगा आपको। तो B2 आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, B2, C2, D2, E2, F2, G2, है ना, तो यहाँ पर आपको B2 से लेके G2 तक का पूरा एवरेज निकाल के दे देगा, है ना। तो एवरेज कैसे निकाला जाता है कि जितने नंबर होते हैं उसको प्लस जितनी काउंटिंग होती है उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे B2 से लेके G2 तक कितने हो गए, B2, C2, D2, थोड़ा सा पिक्चर क्लियर करता हूँ, B2, C2, D2, E2, F2, G2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। तो ये पहले वैल्यू को जोड़ेगा यहाँ से यहाँ तक का, फिर उसको 6 से डिवाइड कर देगा तो एवरेज निकल आएगा। ये फार्मूला आपको मालूम ही होगा मैं इसका कैसे बनाते हैं। तो इस तरह से आप इसको एवरेज निकाल सकते हैं, सम कर सकते हैं, या जो भी फार्मूला आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका है फार्मूला लगाने का। तो जिस जगह पर आपको फार्मूला लगाना है वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब आता है मैक्स फंक्शन। इसी तरह से आप मैक्स फंक्शन लगा सकते हैं, सेम तरीका बिल्कुल। मैक्स फंक्शन लगा देंगे तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो वहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, बिल्कुल सेम तरीका है जैसा आपने पहले किया, ठीक है। फिर मेन फंक्शन, बिल्कुल सेम तरीका मेन फंक्शन का, कोई भी बदलाव नहीं, बस फार्मूले का नाम आपको रखना है, फार्मूला यानी फंक्शन का नाम आपको रखना है अपने, और उसके अंदर आपको कहाँ से कहाँ तक का करना है वो रखना होता है। जैसे मेन फंक्शन देखिए कहाँ से B2 से F2 तक, तो B2 से F2 तक का मिनिमम फंक्शन यहाँ पर रख दिया हमने, तो मिनिमम कितना हो जाएगा वो आ जाएगा काउंट होकर, ठीक है। उसी तरीके से रेंज ऑफ द मिनिमम नंबर वैल्यू विल बी डिस्प्लेड इन द सिलेक्टेड सेल एज़ शोन, रेंज ऑफ सेल्स भी आपको दिखाएगा ये, है ना। फिर काउंट करेंगे तो काउंट भी सेम तरीके से काउंट लगा के देखिएगा, काउंट करके देखिएगा तो काउंट आपको देगा काउंट नंबर्स में। यहाँ ऊपर जाएंगे ये देखिए यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक। तो ये सारे फंक्शंस हैं, एक एक करके लगा के चेक करिएगा, ठीक है। अब हम शीट की रीनेमिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो रीनेम करना है शीट को, तो आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो नाम होता है वो शीट 1, शीट 2, शीट 3, तीन शीट होती हैं, याद रखिएगा। जब भी कोई भी एक्सेल शीट हम एक्सेल वर्कबुक ओपन करते हैं तो उसमें हमारा तीन शीट होता है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो बेसिकली वो शीट 1 पे ही आप काम कर रहे होते हैं। तो अगर आपको उसका नाम बदलना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो यहाँ पर नीचे लेफ्ट बॉटम में शीट 1 लिखा है, उसको राइट क्लिक कीजिएगा, रीनेम कीजिएगा और अपना जो भी नाम आप डालना चाहते हैं उसको डाल दीजिएगा, तो आपका शीट का जो नाम है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे इन्होंने नाम चेंज किया, इन्होंने मार्क्स कर दिया, नाम चेंज करके तो मार्क्स हो गया शीट का, लेकिन शीट 2 और शीट 3 का नहीं किया है तो शीट 2 शीट 3 का नहीं हुआ है, देखिए, है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये सारे काम आप करके देखिएगा एक्सेल पे, और बाकी आप एक्सरसाइज लगाइएगा, समरी अच्छे से पढ़िएगा, और इस एक्सरसाइज का जो PDF होगा वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन पहले खुद से ट्राई कीजिएगा ताकि आपका नॉलेज बढ़े, आपका नॉलेज अच्छा हो, तो खुद से लगाने की कोशिश कीजिएगा, टेक्स्ट बुक को करिएगा, टेक्स्ट बुक के टर्म 1 में आपका चेकिंग होगा, तो इस वजह से इसको आप कंप्लीट करिएगा। तो एक तरह से आपका होमवर्क रहेगा, बाकी आपको PDF फाइल मैं प्रोवाइड करूँगा, उससे आप अपना जो भी गलती है उसको ठीक कर सकते हैं, पेंसिल से करिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे सिक्योर, बाय बाय।